सत श्री अकाल फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस किचन। कैसे हैं आप लोग? तो आज एक नई चीज के साथ आज मैं बनाने जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी एंड बनाना मिल्कशेक, कह लो चाहे आप उसको स्मूदी कह लो। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्या चाहिए। उसके लिए मैंने ये फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज ली थी, जब सीजन था तो मैंने स्ट्रॉबेरीज को फ्रीज करके रख लिया था और ये फ्रोजन बनाना है। ठीक है, ये थोड़ी सी मिक्सड है और ये 500 ml जो है वो दूध है, यानी कि आधा लीटर दूध है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज है इसको डाल देंगे। अब हम फ्रोजन डाल रहे हैं, दूध भी ठंडा है, बनाना भी फ्रोजन है, तो हमको इसमें आइस डालने की जरूरत नहीं है। ये हो गया और अब इसके अंदर ये दूध डाल देंगे। ये जो बाकी का दूध थोड़ी देर बाद इसको जरा अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर हम करेंगे। अब इसको मिक्सी में चलाएंगे और इसके अंदर हमको शुगर या हनी एज पर आर टेस्ट हमको इसमें डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बनाना अपने आप में काफी शुगरी है, स्ट्रॉबेरीज में भी थोड़ी बहुत स्वीटनेस होती है। अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं आप चाहे तो हनी डाल दीजिए, या आप पिसी हुई चीनी डाल दीजिए, या वैसे ही चीनी डाल दीजिए, ये आपके ऊपर है, बट इतना मीठा काफी रहता है हेल्थ वाइज भी। तो चलिए अब हम इसको मिक्स करते हैं। देखते हैं इसके अंदर मैंने जो थोड़ा सा दूध बचाया था मैंने वो भी डाल लिया, तो इसके अंदर पूरा 500 ml दूध डाल दिया है। और ये देखिए फ्रोजन फ्रूट डालने का सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होता है कि भी आपकी जो स्मूदी है या शेक जो है आपका एकदम क्रीमी बनता है। ये देखिए हमको इसमें ना इसमें हमको ओट्स डालने की जरूरत है और ना ही हमको इसमें कर्ड हमने डाला, और देखिए कितना क्रीमी बना है। तो अगर इस तरह से अगर आप फ्रोजन फ्रूट डालेंगे सीजन में, जैसे मैंगोज आते हैं और भी फ्रूट, जैसे पपाया शेक बनाना है तो उसका भी आप अगर फ्रीज करके अगर आप डालोगे तो चीज अच्छी बनती है। तो चलिए आइए अब हम इसको ग्लास में सर्व करते हैं, और बहुत टेस्टी क्रीमी टेक्सचर होता है तो पीने में भी अच्छा लगता है। ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका, ये देखिए इस तरह से। ये हमने डाल दिया, आप चाहे तो आप इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, और अगर हेल्दी बनाना है आप इसको ब्रेकफास्ट में लीजिए या इवनिंग में बच्चों को दीजिए, खुद भी लीजिए। तो उसका अगर आप ऊपर इस तरह से मिक्स सीड्स डाल देंगे तो बच्चों को और हमको भी इसका सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, और फ्रोजन फ्रूट है तो ये बहुत अच्छा बनेगा। हमको ये भी नहीं है कि इसमें हमने बर्फ डाली है या कुछ और डाला है, तो ये बहुत टेस्टी लगता है इन शॉर्ट। और आप ट्राई कीजिएगा और बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। बाय।